अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हेलो व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी है महाराष्ट्र की मशहूर चटनी, जिसे आप जवारी की रोटी के साथ, गेहूं के रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्ट आएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर हम लेंगे 250 ग्राम फली। फली को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। फुल फ्लेम पर हम पैन को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे। स्लो करने के बाद ही हमें ये सारा प्रोसेस करना है। इसमें हम 2 चम्मच ऑयल भी ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से फली बहुत जल्दी रोस्ट होती है। ये चटनी महाराष्ट्र के हर घर में एनी टाइम मौजूद रहती। आप कभी भी जाओ वहाँ पर यह चटनी आपको मिल जाएगी। 50% हमें ये फली को भूनना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और हरी मिर्च। दोनों भी हमें इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से रोस्ट करना है। महाराष्ट्र में इसे फली का ठेसा भी कहते हैं। इसकी खुशबू आपके पड़ोसियों के घर तक जाने तक इसे हमें अच्छे से भूनना है। अगर आप ये चटनी आपके घर में एक बार बनाएंगे तो इसे आप बार बार बनाने लगेंगे। यहाँ पर इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इसे हम थोड़ा और भुनेंगे, उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद इसे हमें ठंडा होने तक रखना है। उसके बाद मिक्सी जार में ऐड करेंगे और इसे हम दरदरा सा पीसेंगे। एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, दरदरा सा पीसेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कीजिए। यहाँ पर दरदरा सा हमने इसे पीस लिया है। इसके बाद हम इस ठेसे को हम एक बॉक्स में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे हम स्टोर कर फ्रिज में रख देंगे। आप इसे अगर रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे बाहर भी रख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 नए ठेसे लेकर।